नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के भरतपुर में ब्रह्मा कुमारीज ने पुलिस कर्मियों, सेना के जवानों और विद्यार्थियों को दिए खुशहाल जीवन जीने के टिप्स। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन। भुवनेश्वर के पटिया में प्रकृति की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हुए शामिल। राज्यों के प्रभावों पर दी अपनी राय। भोपाल में बच्चों के भविष्य और पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को संवारने के लिए सम्मेलन। बीके किरण ने किया संबोधित। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पेरेंट्स को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत। और गोल्डन हार्ट ऑनलाइन सीरीज के तहत न्यू बिगनिंग टॉपिक पर प्रोग्राम। बीके जयंती और बीके सुदेश ने आंतरिक गुणों और शक्तियों को अनुभव करने के लिए किया प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहमदाबाद तक जाने वाले अभियान स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण के अंतर्गत राजस्थान के भरतपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, एनसीसी कैंप, एमएसजे कॉलेज, केंद्रीय जेल, आरएसी बटालियन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग के सदस्य बीके अस्मिता, बीके आरएम सिंह, बीके हेम सिंह, बीके मीनाक्षी ने इन कार्यक्रमों के दौरान सेल्फ एम्पावरमेंट, तनाव मुक्त जीवन शैली, राजयोग द्वारा आंतरिक सशक्तिकरण, संबंधों में मधुरता जैसे विषयों पर लोगों से विस्तार से चर्चा की। आप सभी को क्या लगता है कि आपके मन को सचमुच में सुरक्षा की आवश्यकता है? मानसिक शक्तियों का विकास करने व उन्हें बढ़ाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कई बुद्धिजीवी लोगों ने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। जो हम आंतरिक रूप से चाहते हैं वो सब आनंद चाहते हैं, खुशी और आनंद। कोई भी वक्त काम करते हैं हम लोग, वो काम हम सिर्फ आनंद के लिए करते हैं। तो आप सब लोग अगर सीखना चाहें तो आप अपने ब्रह्म कुमारी प्रांगण में जाके सीख सकते हैं। भुवनेश्वर के पटिया सेवा केंद्र पर प्रकृति की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा और रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कोलकाता से डॉक्टर एचआर बिस्वास मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। डॉक्टर महापात्रा ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही सामाजिक सेवाओं की प्रशंसा करते हुए बताया कि ब्रह्मा कुमारीज और मानव समाज के बदलाव में राजयोग मेडिटेशन किस प्रकार मदद कर सकता है, तो वहीं डॉक्टर बिस्वास ने तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन जीने के लिए राज्यों के अभ्यास को बहुत जरूरी बताया। कार्यक्रम के दौरान ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के ओएएस एग्जाम में तीसरी रैंक लाने वाली रश्मि रेखा पात्रा भी मौजूद थी और सफलता प्राप्त करने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बच्चों के भविष्य और पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को संवारने के लिए भोपाल में राइज एंड शाइन नामक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कोला रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके किरण मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थी। बीके किरण ने बच्चों और पेरेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे वो नहीं करते जो उन्हें हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। इसलिए बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पेरेंट्स को अपने संस्कार सुधारने की जरूरत है। यह वर्कशॉप डिलीजेंट कोचिंग क्लासेस के प्रबंधक पारस गुप्ता द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका विद्यार्थियों और अभिभावकों समेत 150 लोगों ने लाभ लिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के हरपालपुर सेवा केंद्र पर पत्रकारों के लिए आयोजित स्नेह मिलन में मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। मीडिया श्रेष्ठ समाज का नव निर्माण विषय पर यह सम्मेलन आयोजित था, जिसमें सबसे पहले सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने पत्रकारों से अपना वास्तविक फर्ज निभाने के लिए आग्रह किया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शामिल पत्रकारों में से कई पत्रकारों ने कार्यक्रम के प्रति अपने अनुभव भी सुनाए। अस्तित्व में कैसे आना है और हमारा क्या काम है, आदरणीय हमारी पूनम जी ने बताया। किसान भारत की शान है, लेकिन आजकल उसका जीवन काफी तनावपूर्ण है।
उन्हें तनाव मुक्त खुशहाल जीवन का मंत्र देने के लिए राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आसपास के 35 किसान शामिल हुए। राजकोट की वरिष्ठ राज्यक शिक्षिका बी के अंजू ने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जैसे खेती के लिए बीज, खाद और धूप जरूरी है, ठीक वैसे ही खुशहाल जीवन जीने के लिए शुद्ध संकल्पों का बीज, सत्संग की खाद, ईश्वरीय याद की धूप जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में सभी किसान भाइयों को ब्रह्मा भोजन कराया गया और ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। अब कुछ खबरें एक नजर में। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र पर नशा मुक्ति अभियान के उन्मूलन के लिए बैठक। मेरा रीवा नशा मुक्त रीवा अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 12 को नशा मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। प्रशासन और ब्रह्मकुमारी संस्था मिलकर कर रहे हैं प्रयास। अभियान के संरक्षण हाजी एके खान ने राज्यों को बताया नशा मुक्ति का सबसे सहज और असरदार साधन। सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मला ने कराया राज्यों का अभ्यास। राजस्थान के आहोर सेवा केंद्र का 5वां वार्षिक उत्सव। केक काट कर मनाई खुशियां। जोधपुर के चौपासरी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र के प्रभारी बी के शील हुई शामिल। ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए बी के शील ने किया प्रेरित। पटना के मसरूही बी के पाठशाला के भी हुए 5 वर्ष पूरे। शिव ध्वज फहराकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बी के आभा ने दिए सुझाव। अंत में भेंट की ईश्वरीय सौगात। अब खबरें अंतरराष्ट्रीय जगत की। पीस, आई एम्ब्रेस यू। पीस, आई एब्सॉर्ब यू। पीस, आई एम यू। यूके में ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के 50 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में आयोजित गोल्डन हार्ट ऑनलाइन सीरीज के तहत 2021 के लास्ट प्रोग्राम न्यू बिगिनिंग का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका और यूरोपियन डायरेक्टर बी के जयंती और जर्मनी के निर्देशिका बी के सुदेश ने अपनी शुभकामना देते हुए राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने आंतरिक गुणों और शक्तियों का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। When I use the word Baba, in my own awareness, I'm thinking about the father, and I know God is the mother and the father, but in a very natural way, the awareness of the inheritance of happiness, of love that comes from the father is important. So the word Baba for me reminds me of this image that you see behind me, this being of light, the supreme. Good wishes are very pure and subtle energy. It will reach definitely if I am selfless and truly at that time with honesty, with pure love, with open heart, with generosity, and without any expectations. इस ऑनलाइन कार्यक्रम में पूरे यूके से कई राजयोग प्रैक्टिशनर्स ने अपने सुंदर अनुभव शेयर किए। One lesson that I've learned through Raja Yoga and meditation is that an authentic, undiluted relationship with the self is what we all need to recapture. Relationships, connections, my work, everything changed. And I had to start all over again. It was like being a baby. I had to relearn. I went to the meditation center. ऐसे ही रशिया के मॉस्को द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन सीरीज वैल्यू फॉर लाइफ के अंतर्गत इस बार का टॉपिक था उदारता, जिसमें मॉस्को के निर्देशिका बी के सुधा ने टॉपिक पर भारत के डॉक्टर मनोज से प्रेरणादायक चर्चा की। आइए देखते हैं उसके कुछ अंश। इफ आई डोंट हैव इनफ एंड आई एम वेरी जेनरस, आई कीप गिविंग एवरीथिंग, यू कॉशनड अस दैट यू डोंट हैव टू मेक द अदर पर्सन डिपेंडेंट, दैट्स परफेक्ट, बट इफ आई डोंट हैव एंड इफ आई कीप गिविंग ऑल द टाइम देन आई विल बी एम्प्टी सून. So how do I fill myself then? You know, this is why Baba says, have mercy on yourself. You know, me having mercy on the self also means that you remain connected
यू कीप ऑन एम्पावरिंग योरसेल्फ। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज GWS को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।